मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सिलेबस कम हाँ हो बेटा, गया। और सर कम सिलेबस कम हो गया। हो गया आपको कैसे नहीं पता? हाफ हुआ है, नहीं हाफ हुआ है। आ अच्छा जाए न्यूज़पेपर में, आ अच्छा जाए न्यूज़पेपर में। अच्छा सिलेबस कम हो न्यूज़पेपर गया। में है? कौन से 50% न्यूज़पेपर में फिफ्टी है? परसेंट अच्छा 50% हो गया सिलेबस। यस सर, कल अपडेट में आ रहा हुआ था। और दो दो टर्म में एग्जाम होंगे, सेमेस्टर होंगे। अच्छा अच्छा यस सर, चलो देखते हैं यस बेटा, आज न्यूज़पेपर देखते हैं बेटा। 50% एक में आएगा, 50% एक में, 50% एक में। अच्छा, तो बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 50% सिलेबस कम हो जाए, ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है फिर। लास्ट ईयर तो नहीं सर हुआ? हाँ सच्ची में बोलो। हो गया, सच्ची में हो गया। 50% मास्क तो कुछ दोनों में जा, लगेगा जा सर, दोनों में लगेगा सर। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया कि वो उन्होंने सिलेबस को, अगर कस्टम सिलेबस होगी, हाफ, कस्टम होगी। अच्छा हाफ एक बार, हाफ एक बार ऐसे करेंगे। ठीक। तो बेटा ये जो तरीका बता रखा है इन्होंने, तरीका बदल दिया इसका मतलब पूरी तरह से ही। लेकिन ये इतना ज्यादा सिलेबस कट होना तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि पिछले बार इन्होंने 4.5 लेसन कटवाए थे, 15 में से 4.5 केवल, लगभग 30%। हाँ बेटा दिखाओ, ये दसवीं देखो, बारहवीं, ये देखो। हाँ नई असेसमेंट स्कीम, इस साल के सेशन को दो हिस्सों में बांटा है। वहाँ ठीक है, दो हिस्सों में बांटा है इन्होंने। अच्छा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमिक सेशन 10वीं 12वीं के सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षा में दो टर्म में आयोजित करेंगे, यानी दो बार होगी इसका मतलब। सीबीएसई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में बताया, 21-22 के एकेडमिक सेशन को दो टर्म में बांट दिया गया है। 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा, यानी पहले हाफ सिलेबस आएगा फिर हाफ आएगा, ऐसे बोल रखा है ये। पहले टर्म की परीक्षा यस सर, नवंबर दिसंबर में यस सर। और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में। ये टर्म एग्जाम 90 मिनट की अवधि के होंगे, इसकी अधिसूचना इसी महीने जारी कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे सिलेबस कम करने के बारे में इसमें मैसेज ये नहीं है, ये दोनों टर्म के आधार पर ही फाइनल मार्कशीट को तैयार करेंगे। हाँ वो ठीक है, बोर्ड हर एक टर्म के आखिर में बटे हुए सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं लेगा। बोर्ड प्रश्न पत्र तैयार करके इन स्कूलों को भेज दिया जाएगा आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए। आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी बोर्ड ही तय करेगा। परीक्षाएं बाहर से भेजे गए सेंटर सुपरिंटेंडेंट ऑब्जर्वर्स की निगरानी में आयोजित करेंगे। बच्चे पहले दूसरे टर्म में जो नंबर हासिल करेंगे उनके आधार पर अंतिम मार्कशीट को तैयार करेंगे। इनका पूरा प्रारूप क्या होगा अगले महीने अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आएगा। नई व्यवस्था छात्रों के लिए थोड़ी सुविधा जरूर हो जाएगी, सिलेबस को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। तो यहाँ इस पैसेज में भी ये नहीं है कि सिलेबस को कम किया गया हो, ये नहीं है। कोरोना के कारण लिया ये फैसला, प्रोजेक्ट वर्क और भरोसेमंद बनाएंगे। सीबीएसई ने कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया है, 2022 में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की योजना के बारे में। सीबीएसई ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज्यादा विश्वसनीय और वैलिड बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी कोरोना के चलते रद्द कर दी थी। सीबीएसई ने स्कूलों को स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा है। स्कूल साल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करेंगे कि कितने टेस्ट हुए, कितने उन्होंने मार्क्स लिए, उनके ओवरऑल रिपोर्ट, और उसका डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे, यानी ऑनलाइन। जैसे टीचर्स की प्रोफाइल बनी होती है इसी तरह से स्टूडेंट की प्रोफाइल बन जाएगी। फिलहाल स्कूल डिस्टेंस मोड में ही पढ़ाना जारी रखेंगे। डिस्टेंस मोड का मतलब होता है कि वहां पे स्कूल के अंदर शायद बच्चों को बुलाने के बारे में नहीं बताया गया है, समझे या नहीं समझे बेटा? और अगर बुलाया भी जाता है तो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा, ठीक है? ये चीज बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है बेटा, अब तो आप अगर इतना, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर लोगे अच्छा फर्स्ट अच्छा ईयर में? बेटा फर्स्ट टर्म में पहले का जैसे पहली बुक है और दूसरी बुक है उसका हाफ पार्ट कर लीजिए, 15 लेसन है। अभी तक इसमें इन्होंने बताया नहीं कि हम डिडक्ट करने वाले हैं,
आप कह रहे थे डिडक्ट हो गया सर, 50% डिडक्ट हो गया, नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है इसमें। हाँ होगा जरूर, इतना जरूर पक्का होगा और जल्दी बताएंगे आप। और ये जो 50% सिलेबस आने वाला है, तो आप इसमें मान के चलो हो सकता है पहले टर्म में ये 8 लेसन ले लें या 7 लेसन ले लें, जो विजयनगर साम्राज्य तक का तो डेफिनेट आएगा ही आएगा, सिंधु सभ्यता से विजयनगर साम्राज्य तक, ठीक है बेटा। और उसके बाद वाला सिलेबस जैसे कि जो अब हम पढ़ा रहे हैं किसान जमींदार और राज्य, ये लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक संविधान निर्माण, वो दूसरे टर्म में आ जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट तैयार करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि सीरियस होके पढ़ाई करो, अगर ये फॉर्मेट लागू हो जाता है तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मार्च अप्रैल वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दोनों सेम हो गए। तो हाँ इतना जरूर है कि आपके लिए बर्डन को थोड़ा हाफ कर दिया गया है और समय अवधि कम कर दी गई है, एग्जाम की अवधि 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे रखी गई है और अपने स्कूल लेवल पे एग्जाम होगा, ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। अब इसमें अपने स्कूल में ही बोला गया है कि इसमें ये नहीं है कि भी कोई सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, इसमें ऑब्जर्वर के लिए बोला गया है और सेंटर सुपरिंटेंडेंट आएंगे, ये 2 कैंडिडेट होंगे जो बाहर से आएंगे और बाकी अपना स्कूल का ही स्टाफ शायद हो सकता है, बाकी हो सकता है आगे कोई रूल बदल दें इनका अभी, क्योंकि पूरी जानकारी इसमें नहीं है, ये सिर्फ एक मेन मेन बातों को समाचार पत्र में दिया गया है। जब इसको व्यवहारिकता से लागू करेंगे तो हो सकता है स्टाफ भी बदल जाए, दूसरे स्कूल का स्टाफ यहां लगा दिया जाए, इस स्कूल का स्टाफ दूसरी जगह लगा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। और कॉपी चेकिंग का ये सारा काम अभी इन्होंने ये कहा कि बोर्ड अपने लेवल पे कराएगा, वो किस तरीके से होंगी, वहां भेजनी होंगी या कैसे कराते हैं वो देखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें ये समझना है कि हल्के में नहीं लेना, तैयारी पूरी करनी है। आपके लिए कोई रियायत वाली बात नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का हाफ टर्म में जैसे मान लो अच्छी तैयारी नहीं है तो उसके मार्क्स एक बार बिगड़ गए तो उसकी बैलेंस होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगले टर्म में भी उसको उतना ही सिलेबस पढ़ना है और उसका वो कवर नहीं कर सकता पहले वाले का। एक तरह से हम इसको ये मान के चले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, एक तरह से इस तरह का हाफ सिलेबस कंफर्म। और ये ध्यान रखें कि इसमें पेपर फॉर्मेट भी बताएंगे, अभी अपडेट करेंगे, वैसे इस बार इनको ऐसा चेंज करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन का वो चल रहा है और इसमें ये इस तरह का चेंजमेंट करके बच्चों को थोड़ा सा मिसगाइड हो जाएंगे। इसमें इसमें अगर ये सिलेबस को रिड्यूस कर देते हैं, मान लीजिए कि ज्यादा नहीं तो 4.5 पिछले बार हुए थे, अब की बार 3 लेसन भी अगर कम हो जाते हैं तो आपके लिए 12 लेसन बच जाएंगे, फिर उसमें 6-6 लेसन कवर हो जाएंगे तो वो सिलेबस और कम हो जाता है, वो थोड़ा ठीक रहेगा, वो उसके बारे में बता देंगे, वैसे अभी इसमें बता नहीं रखा था, ठीक है बेटा। अब हम इसको अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे, पेज नंबर आप आ जाइए 201 पर। ग्रामीण समुदाय का हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आप, जाति और ग्रामीण माहौल को पढ़ चुके हैं, इस पिक्चर को भी मैं समझा चुका हूं। इससे आगे नेक्स्ट पेज पंचायतें और मुखिया, यहां भ्रष्ट मंडल को भी मैंने बता दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो गांव के अंदर मुखिया का पद तो उन्हें मिल जाता था लेकिन उसका गलत दुरुपयोग करते थे, पटवारी के साथ मिलकर के हिसाब किताब में गड़बड़ करते थे और जमीन पर टैक्स को कम करके अपनी जमीन पर टैक्स को कम कर लेते थे और दूसरे किसानों पर उस टैक्स का वजन लाद देते थे, इस तरह का इनका तरीका था। मेरी आवाज आपको ऑडिबल है या नहीं ये बताओ मुझे, सुन रही है भूमिका, आवाज सुन रही है? यस सर, यस सुन रही है। ओके सर, ठीक है बेटा। पंचायतें और मुखिया, इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा बेटा, 2.2 पॉइंट पे देखिए, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी यहाँ ये बताया गया है सीनियर पर्सन होते थे गांव के, जो उम्र दराज व्यक्ति होते थे उन वो बैठते थे गांव के पंचायत के अंदर, आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, यानी जिनकी एक रेपुटेशन थी गांव के अंदर,
समझ गए, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी, मान सम्मान था, वो व्यक्ति होते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, यानी उनके पास पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई जमीन होती थी, यानी इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी। और अक्सर देखने में आता था कि ये ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक भी होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। अगर मान लीजिए किसी गांव के अंदर कई जातियां रहती हैं तो उनके अंदर पंचायतों में भी डिफरेंस देखने को मिलता था। उस तरह की पंचायत नहीं होती थी जिस गांव में सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हैं और एक गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं, तो उस पंचायत में और उस गांव के पंचायत में थोड़ा फर्क होता था। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। अब यहाँ उस गांव के लिए बताया गया है जिस गांव में अलग अलग जाति और अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई अगर ये उस गांव में रहते हैं या विभिन्न प्रकार की जातियां वहां पे रहती हैं, अहीर यादव गुज्जर जो अलग अलग जातियां हैं, तो उन सभी जातियों से नुमाइंदगी होती थी, मतलब रिप्रेजेंटेशन होता था प्रत्येक जाति से। फिर भी इसकी संभावना कमी है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेती और मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। अब इसमें यह बताया गया है कि जो निम्न दर्जे का काम करने वाला व्यक्ति होता था, जहां खेती हर मजदूर का काम करने वाला व्यक्ति होता था, शायद उसको इतनी मतलब रेपुटेशन उसको नहीं दी जाती होगी, उसके लिए इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान सम्मान उसके लिए नहीं होगा, ना उसको इतना हक मिला होगा। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। ये बहुत गांवों में तो आज भी है। कुछ गांव तो बेटा ऐसे हैं जो अपने गांव के अंदर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसको पंचायत में सुलझाने के लिए वो आगे आते हैं, वो कभी पुलिस थाने में नहीं जाते हैं, कभी किसी कोर्ट की शरण नहीं लेते हैं, वो पंचायत में सभी तरह के, चाहे कोई अपराध है, चोरी है, किसी भी तरह का कोई कोई बात है, तो उसका मामला अपने गांव के स्तर पर सुलझा लेते हैं। और ये बहुत असरकारक रहता है। अगर इस तरह का होता है तो गांव में मतलब एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ केसेस के अंदर बहुत ही लंबा विवाद चलता है कोर्ट में। एक अगर दादाजी के समय पर कोई केस हुआ है तो उसके बेटे पोते के समय तक वो केस चलता रहता है और उसमें कोई ना डिसीजन निकलता है, बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, जबकि पंचायत तुरंत फैसला दे देती है और लगभग लगभग ठीक फैसला देती है। और इसमें दबाव रहता है, एक व्यक्ति जो जिसका व्यवहार अनियंत्रित है, बदमाश है, चोरी करता है या किसी भी तरह का गलत प्रवृत्ति है उसमें, तो उसको पंचायती स्तर पर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बहुत ही असरकारक रहता है उसके गांव के लिए, उसके घर के लिए, क्योंकि उसका मान सम्मान उस पंचायत में है, उसको सब लोग जानते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। पुलिस थाने के अंदर दो अगर एक व्यक्ति कसूरवार है और एक व्यक्ति कसूरवार नहीं है तो दोनों को घसीटा जाता है, दोनों का मामला केस फाइल करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और परेशान करने वाली सारी समस्याएं होती हैं, पुलिस वाले इतना काम भी नहीं करके देते हैं। तो ये चीज बहुत इफेक्टिव रहती है। अपने हरियाणा में भी कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्तर पर इस तरह का काम किया है कि अपने लेवल पे किसी भी मुकदमे को बाहर नहीं जाने देते, कोर्ट में पुलिस थाने में नहीं जाने देते, अपने लेवल पे निपटाते हैं। आपने कुछ सुना भी होगा ग्राम पंचायत में इस तरह के पनिशमेंट मिलते हैं, जैसे जूतियों की माला पहना देते हैं या फिर गधे पर बिठा दिया, काला मुंह कर दिया इस तरह के, या जात बाहर कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव के अंदर जुर्माना रख दिया कि भी कोई व्यक्ति उनसे संपर्क रखेगा तो उस पर जुर्माना होगा, तो इस तरह के कुछ सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। तो ये चीजें पनिशमेंट के तौर पे होती हैं। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसको हम आज के समय में सरपंच कहते हैं, उस समय उसको मुकद्दम या फिर मंडल कहते थे। उस समय पंचायत के मुखिया को कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों को आम सहमति से होता था, यानी गांव के बुजुर्ग जो हैं वो सोच समझ करके मुखिया का चुनाव करते थे। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से भी लेनी पड़ती थी, यानी जो उस इलाके का जमींदार है जिसकी जमीन पर वो खेती करते हैं तो उनकी परमिशन, यानी जमींदार की परमिशन भी उन्हें लेनी होती है इस इलेक्शन के विषय में। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा रहता था, यानी गांव के बुजुर्गों का रोल आप समझ लीजिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक इनका विश्वास उनके साथ है तब तक वो मुखिया है, जिस दिन उनका विश्वास नहीं रहेगा, अविश्वास हो जाएगा उन्हें, तो वो उसके ओहदे पर या उस पद पर काम नहीं करेगा। ओहदा होता है बेटा पद,
ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। देखिए इनके हाथ में पावर भी होती थी, ये उसको सस्पेंड कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम होता था। इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। गांव में कितनी आमदनी हुई, ग्राम पंचायत में कितना खर्चा होता है, उसका कंप्लीट अकाउंट ये लोग तैयार करते थे। अपनी निगरानी में मुखिया तैयार करवाता था, जिसको मुकदम कहते हैं, जिसको मंडल कहते हैं। पंचायत का पटवारी जो है उसकी इस काम में मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। अब गांव के अंदर मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर से कुछ पैसा, मतलब एक राहत कोष की तरह से गांव में बना दिया जाता था। उसके अंदर पैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते थे और उस खजाने से गांव का खर्चा होता था। गांव में कोई सामूहिक कार्य कराना है तो वो उसके जरिए होता था। सब लोग मिल करके, जैसे आप मान लीजिए किसी गांव के अंदर 500 घर हैं, 500 घर अगर मिल करके 500-500 रुपए जमा करते हैं तो कुछ पैसा जमा हो जाता है और उस गांव में काम हो सकता है। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था। अब मान लीजिए गांव में इस तरह का जो पैसा जमा किया गया है तो उसमें अगर कोई बाहर से सरकारी अधिकारी आता है तो उसके आवभगत करने के लिए जो खर्चा लगता है वो उसमें से करते थे, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गांव के अंदर जो खजाना, जो इस तरह का कोष बनाया गया है, राहत कोष बनाया गया है, उसमें इनका सबसे पहला खर्चा किस तरीके का रहता है, अधिकारियों की आवभगत पे खर्चा सबसे पहला प्रकार। दूसरा, अगर प्राकृतिक कोई आपदा हो जाती है जैसे बाढ़ आ जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, जो मुआवजा देना पड़ता है, तो वो। तीसरा है किसान जो अपने लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं उसको सामूहिक तरीके से कर सकते हैं, सामुदायिक स्तर पे करना चाहते हैं तो उसको, जैसे मिट्टी के लिए मिट्टी से छोटे छोटे बांध बना देना ताकि पानी स्टोर हो सके और जब वर्षा ना हो तो उसका यूज कर सके। नहर खोदी जाए जिसमें उस बांध में जो पानी भरा हुआ है वो खेतों तक ले जाया जा सके, यानी इसमें खेतों की सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया था। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ये जो खजाना है, पंचायती जो खजाना है, उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते थे। अब आता है अगले पैराग्राफ पे आइए। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। गांव में जितने भी लोग रहते थे सबके आचरण पर निगाह रखते थे कि कोई व्यक्ति चोरी तो नहीं करता है, जारी तो नहीं करता है, अपराधी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, कोई हत्यारा तो नहीं है, तो इस तरह का वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के को ये बोला जाता था कि आप अपने समुदाय में ही शादी करें, यानी अपनी हद में रहें। ऐसा ना हो कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को तंग करे। एक समुदाय, जैसे धार्मिक समुदाय को लेते हैं हम, जैसे कि हिंदू समुदाय के लोग पूजा करने जाते हैं, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग उनको तंग करेंगे तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। इसलिए एक धर्म के लोग जो भी धार्मिक आचरण करते हैं, पूजा पद्धति को अपनाते हैं, तो उसको दूसरे समुदाय का कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें सहन करे या उनके प्रति सहनशील बना रहे, उनके प्रति उनको सपोर्ट करे। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा गांव के लोगों के आचरण पर निगाह रखना मुखिया का काम होता था। यहाँ पे ग्राम पंचायत का प्रारूप देख सकते हैं, ऊपर बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं इसके अंदर। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र में जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं, यानी जो टैक्स कलेक्शन के लिए आए हुए अधिकारी हैं, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया हुआ पैसा आप देख और टैक्स गांव के सभी बुजुर्ग लोग, जो गांव का मुखिया है, वो भी यहाँ पर बैठ करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। चित्रकार ने गांव के बुजुर्गों और कर अधिकारियों में फर्क कैसे डाला है, आप देख सकते हैं। गांव के लोग जो हैं सामूहिक रूप से कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। जो खड़े हुए कैंडिडेट हैं वो इतने ज्यादा एज के नहीं है और यहाँ पे वैसे इतना फर्क तो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, कुछ खड़े हुए हैं, लेकिन ये एज का फर्क तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इन लोगों में साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सरकारी अधिकारी, इनसे दो अलग रूप से बैठे हुए, इनके लिए एक अलग मैट बिछाया गया है आप देख सकते हैं, और ये लोग अलग से बैठे हुए हैं, तो इनके बीच अंतर है, बीच में पैसा रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं बेटा। पंचायतों को, अब आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में ग्राम पंचायतों को कौन कौन से हक मिले हुए थे,
कौन कौन से पंचायत के कार्य हुआ करते थे, तो वो सब कार्य हम आपको एक एक करके समझाते जा रहे हैं। इनको आप लिख सकते हैं। जब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, निबंधात्मक जो प्रश्न होगा उसमें इस तरह की ग्राम पंचायत के विस्तार से उसका आप लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया काम करता है, मुकदम जो काम करता है, वो भी ग्राम पंचायत का ही तो काम है, वो अलग से काम नहीं है। ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का, बोलो बेटा, इसमें एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ग्राम पंचायत से संबंधित एमसीक्यू टाइप कैसे बनेंगे? बेटा इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी भी एक काम को दे दिया कि भी ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन से कार्य होते थे। जैसे इसमें दे दिया प्राकृतिक, ए ऑप्शन में दे दिया प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए उनको कुछ पैसे का मैनेजमेंट उनको दे दिया गया। दूसरा इसमें प्राकृतिक आपदा का हो गया, दूसरा आप दे सकते हैं गांव में बाहर से अधिकारी आते हैं उनकी आवभगत के लिए। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि किस मिट्टी के लिए, छोटे मिट्टी से छोटे छोटे बांध और नहरें बनाना। और चौथा ऑप्शन इनसे अलग दे देंगे और वो अलग आपको छांटना होगा, क्योंकि इनमें से अगर ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो मुगल साम्राज्य की ग्राम पंचायत को हक मिला था या नहीं मिला था, तो वो आप उसको देखते हुए क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों पॉइंट जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम भी उसका था, ये काम भी उसका था, ये भी उसका था, लेकिन ये कार्य उसका नहीं है तो ये उसका आंसर होगा। और इसमें ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं कि तीनों ऑप्शन दे दिए, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दे दिया, तो वो कौन सा आंसर होगा इसमें? फिर बताओ बेटा, उपरोक्त सभी उसका आंसर होगा क्योंकि वो सारे ऑप्शंस उसके आंसर हैं। इस तरीके से करना है। तो बेटा बनाने वाले पे डिपेंड करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। भ्रष्ट मंडल के बारे में पूछ लें कि भ्रष्ट मंडल क्या है, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया, मान लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर में कि भ्रष्ट मंडल क्या है, तो आप ये ऊपर जो लिखा हुआ है, मंडल अफसर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे और वो पटवारी के साथ मिलकर के हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे, उन्हें भ्रष्ट मंडल कहा जाता है। वैसे तो पूरा का पूरा लिखें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा मैटर नहीं है, आप देख सकते हैं दो या तीन लाइनों में कवर हो जाएगा और इतना लिख सकते हैं, एक या दो सेंटेंसेस के अंदर उसका जवाब लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार भी हुआ करते थे। मैंने बताया था ये दोनों काम आपको, अगर आपको ध्यान है तो, ध्यान है आप में से किसी बच्चे को? मैंने अभी बताया था जुर्माना लगाने का हक भी है ग्राम पंचायत को और समुदाय से निष्कासित यानी सामाजिक बहिष्कार करने का हक भी उनको दिया गया था। इसके अलावा जो जो हक मैंने दिए वो लिख सकते हो आप इसमें, चाहे आपकी बुक में नहीं भी दिए गए हैं तब भी। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसका अपराध ऐसा है जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं, उसको 5 से 10 साल तक सामाजिक बहिष्कार उसका कर देते थे, आजीवन नहीं करते थे। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। अब यहां पे देखिए ये क्या बताना चाहते हैं, गांव में रहने ही नहीं देते थे, गांव से गांव निकाला उसे दे दिया जाता था, गांव से बाहर उसको भेज दिया जाता था। इस दौरान वह अपनी जाति पेशे से हाथ धो बैठता था, इस दौरान वो काम भी नहीं कर सकता था, अपनी जाति में कोई संबंध भी स्थापित नहीं कर सकता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था। ऐसा क्यों करना चाहते थे वो? क्योंकि जो जातिगत रीति रिवाज का पालन नहीं करते थे, मान लीजिए किसी ने दूसरी जाति में शादी कर ली, तो उसको इस तरह का सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता था, क्योंकि वो सामाजिक नियमों को निभाना चाहते थे। और कोई व्यक्ति ऐसे ही तो निभाएगा जब उन पे इस तरह का नियम लागू होगा। अब हम आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत भी होती थी और एक ग्राम पंचायत भी होती थी। एक ग्राम पंचायत पूरे गांव की होती थी और जो हर जाति की पंचायत होती थी वो भी अलग अलग थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी, ग्राम पंचायत भी और जाति पंचायत भी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। याद रखिए, अपने ही जाति के लोग एक ही प्रकार की जाति के लोगों के बीच में इस तरह की पंचायत का गठन होता था और इनका काम क्या था? दीवानी झगड़ों का निपटारा करना। दीवानी झगड़े कैसे होते हैं? जो रुपए पैसे लेन देन प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामले होते हैं, उनके जो झगड़े होते हैं, उनको दीवानी मुकदमा कहा जाता है। और इस तरह के झगड़ों का निपटारा ये पंचायतें करती थी। ये जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। अब ये भी
इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था अभी, उससे आगे यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। अब जाति पंचायत का ये अगला काम हो गया। अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में कि जाति पंचायतों के क्या क्या काम होते थे। तो पहला काम आप देख सकते हैं, जाति पंचायतें काफी ताकतवर थी, दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। उसके बाद में आप लिख सकते हैं जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। तीसरा काम लिख दीजिए आप, शादियां जातिगत मानदंडों के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं उनको नियंत्रित करना, उन पर निगाह रखना। और क्या था उसके ऊपर, यह भी कि गांव के आयोजन में किसको और किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, यानी गांव का कोई सामूहिक आयोजन होना है, गांव के लिए कोई रस्म अदा करनी है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई त्योहार होता है, तो उसमें किस व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और किस व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। कर्मकांडीय वर्चस्व का मतलब होता है कि जो लोक दिखावा, जो कर्मकांड किए जाते हैं, उसका मतलब होता है जो रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जो परंपरागत रीति रिवाज हैं, जैसे जादू टोने टोटके, तो वो किस क्रम में होंगे, इसका सुनिश्चित करना जाति पंचायतें करती थी। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। आप देखिएगा सरकार भी इनकी बातों को मानती थी कि फौजदारी मुकदमे में मान लीजिए किसी ने हत्या लूटमार डकैती इस तरह की कोई घटना की है, तो किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई है, तो वो फौजदारी न्यायालय फौजदारी मुकदमा होता है। इस तरह का मुकदमा राज्य अपने लेवल पे भी सुलझा सकता था, लेकिन जो जाति पंचायतें दीवाने मुकदमों के जो मामले होते थे उनको ये सरकार भी मान लेती थी कि इनका मुकदमा बिल्कुल सही सुलझा रखा है। अब आता है आगे, पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही और बेगार वसूली की शिकायत की गई है। अब यहाँ पे हमें उनकी कमियां पता लग रही हैं इस पैराग्राफ में। पश्चिमी भारत में राजस्थान के अंदर और कहां से मिल रही है, महाराष्ट्र से, इन दोनों प्रांतों में वहां से डॉक्यूमेंट मिले हैं और उनके अंदर इस तरह की एप्लीकेशन है, अर्जियां क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, और उनमें ऊंची जाति और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ ऊंची जाति के लोग भी जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करते थे, राज्य के अधिकारी भी जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करते थे और बेगार भी वसूलते थे। बेगार क्या होता है, जिसमें पैसा नहीं देते हैं, काम करा लेते हैं, बेगार होता है उसमें पैसा मेहनताना नहीं दिया जाता है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे, ऊंचे तबके को परेशानी नहीं थी, मध्यम तबके को भी कोई परेशानी नहीं थी, जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था, उन्हें नीच समझा जाता था, नीच तरह के वो कर्म करते थे, उन लोगों की तरफ से इस तरह की एप्लीकेशन शिकायतें लगाई जाती थी। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी, इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष लोग संभ्रांत समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। अब इसमें कोई व्यक्ति पर्सनल भी इस तरह की एप्लीकेशन लगा सकता था, और अगर सामूहिक रूप से लगाना चाहे तो अपनी जाति के सब लोग इकट्ठा होकर के भी इस तरह की अर्जी दी जा सकती थी, एप्लीकेशन दी जा सकती थी, अर्जी को दरख्वास्त भी कहा जाता है। तो बेटा इस तरह में संप्रदाय विशेष के लोग, अब मान लीजिएगा हिंदू संप्रदाय के अंदर और निम्न जाति की तरफ से मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का कोई भी एक व्यक्ति या सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर के, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं यानी उच्च जातियां जो हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत जो हैं, इन सम्रांत समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जो इनवैलिड हैं। जैसे साउथ इंडिया के अंदर आपको एक रिवाज बताता हूं, तमिलनाडु के अंदर इस तरह का रिवाज था, केरला में भी कुछ समय तक ऐसा रिवाज था, शेड्यूल कास्ट के जो महिलाएं होती थी उनको ये रिवाज मानना पड़ता था कि वे मतलब उच्च जाति के जितने भी लोग होंगे पुरुष जो हैं उनसे अपने शरीर को नहीं ढकेंगी, मतलब जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकेंगी, ये बोला गया है। तो इसके अंदर ये कितना इनवैलिड था उस समय, ये रिवाज कितना गलत था, सामाजिक रूप से इसका बहिष्कार होना चाहिए था उस समय भी। इसके संबंध में बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, कुछ महिलाओं ने भी इसका घोर विरोध किया, हिंसाएं भी बहुत हुई। तो ये चीजें हैं जो अपने इंडिया में भी इस तरह के गलत रिवाज प्रचलित होते थे, तमिलनाडु और केरला में, जो कि बहुत गलत है। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, कि जो व्यक्ति ज्यादा टैक्स
मांगेगा एक मतलब ज्यादा टैक्स मांगते थे उन लोगों से, निम्न जाति के लोगों से, तो उनको उनके पास बचत नहीं बचती थी, छोटे किसानों के पास, वो अपना गुजारा कैसे करते, एक तो ये समस्या थी। इसके खिलाफ वो अर्जी लगाते थे, खासकर सूखे सूखा पड़ने पर या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। अगर कभी सूखा पड़ता है, अकाल जनित हालात है, प्राकृतिक विपदा का माहौल है, तो इस तरह की परिस्थिति के दौरान ये एप्लीकेशन लगती थी कि भी हमें कुछ रियायत दी जाए, भी प्राकृतिक आपदा में हम कैसे भरें, अकाल जनित हालात में जब बचत उन कोई नहीं हो रही है, पैदावार ही सूख गई है, फसल सूख गई है, तो भाई कैसे उसका वो टैक्स भर सकते हैं। उनके नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वो मानते थे कि भाई जिंदा रहने के लिए तो जो बेसिक नीड है हमारी, जो हमारे पास में अनाज है, वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इनकी सुनवाई करनी चाहिए, यानी इस मामले को सुनना चाहिए, गांव स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे, न्याय करे, और ग्राम पंचायत अपने लेवल पर इस तरह के मतलब मामलों के बारे में सुनवाई करें और राज्य को बोलें कि आप अपना नैतिक फर्ज अदा करें, न्याय करें सभी जातियों के साथ। निचली जाति के किसानों, राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। यहाँ ये बताया गया है कि किसानों के बीच में और राज्य के अधिकारियों के बीच में या जमींदारों के बीच में झगड़े होते ही थे और उन झगड़ों के अंदर अलग अलग फैसला भी आता था, सबका फैसला एक जैसा नहीं होता था, क्योंकि मामले भी तो डिफरेंट डिफरेंट होते थे। मान लीजिए किसी ने टैक्स अपना पूरा नहीं भरा और किसी व्यक्ति ने अपना टैक्स आधा भर दिया, किसी ने अपना 10% भर दिया, तो इसमें उनके उनकी जो पनिशमेंट होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। ग्राम पंचायत जब टैक्स बहुत ज्यादा मांगा जाता था, समझौता करने के लिए बोलते थे कि समझौता कर लीजिए। जहां समझौते नहीं होते थे, वहां किसान विरोध से ज्यादा उग्र रास्ते भी अपनाते थे। देखिए उस समय भी किसान जो है उग्र आंदोलन करते थे, जैसे ही गांव छोड़कर भाग जाना, ये लोग गांव छोड़ देते थे, भी टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। यानी जो व्यक्ति खेती करना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा जमीन जमीन अवेलेबल होती थी, कोई जितना चाहे बो सकता था खेती, लेकिन लोगों में मजदूरों में आपस में कंपटीशन था, श्रम को लेकर कंपटीशन था कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, किसके पास में मजदूर ज्यादा है, कौन कितना काम करा सकता है। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। यह छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के जमाने में या मुगल साम्राज्य के दौरान, ये यहाँ पे अंग्रेजों का नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ये गलती से मैं बोल गया, यहाँ पे मुगल साम्राज्य के बारे में है। मुगल साम्राज्य के समय पर छोटे किसानों के लिए या निम्न जाति के लोगों के लिए कौन कौन सा ऐसा ऐसी चीज थी जो उन्हें मतलब इन चीजों से छुटकारा दिला सकती थी, तो ये है गांव छोड़कर भाग जाना, ये गांव से पलायन कह सकते हैं इसको, ठीक है। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं सदी की एक चित्रकारी यहाँ पे दी गई है। चित्र में दर्शाई गई गतिविधियों को आप ध्यान से देख सकते हैं कि कपड़ा निर्माण में कौन कौन सी एक्टिविटीज उस समय होती थी। यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ शायद ये कोई सरदार हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है। ऊपर पांडुलिपि लिखी हुई है जो शायद किसी फारसी भाषा में या उर्दू में लिखी हुई है, और नीचे अलग अलग एक्टिविटी करते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। ये व्यक्ति भी कुछ कर रहा है, जैसे कि कपड़े को बिछा रखा है इसने, यहाँ भी कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये व्यक्ति भी कुछ काम कर रहा है, और ऊपर यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये अलग अलग प्रोसेसिंग है, इसको सामूहिक रूप से ही देखिए ऊपर से ही, तभी थोड़ा बहुत इसकी एक्टिविटीज को समझ पाएंगे। इसमें वैसे ज्यादा एक्टिविटी तो बहुत क्लियर नहीं होती है, इस वजह से कम समझ में आती है, ठीक है बेटा। यहां तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस देख लेता हूं। हाँ नेहा कटारिया, आपने पूछा है सिलेबस क्या बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, रिड्यूस होगा, आपका जो टाइम लॉस हुआ है उसके लिए जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिड्यूस ना करें, क्योंकि आपका भी बेटा अप्रैल चला गया है, अप्रैल में तो खैर आपको 20-22 दिन मिल गए थे, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हो, क्या 90 मिनट्स में कैसे होंगे और एमएस होंगे?
अच्छा, इसमें ये कहाँ बताया गया है कि भी एमसीक्यू बेसिक और पूरा पूरा क्वेश्चन होगा, पूरा पेपर नहीं होगा। सर बता रखा है। देखो अगर उसमें उसको एक बार फिर से आप पढ़ना उसको, उस पेपर को, या फिर उसकी फोटो खींचना जहां वो लिखा हुआ है। अगर भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 90 मिनट का होगा, बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस को बेस्ड रहा होगा या रहेगा, तो आप मेरे को ये जरूर जरूर भेजें, क्योंकि ये तो बहकने वाली बात है। आप बिल्कुल भी मत बहकिए बेटा, फॉर्मेट क्लियर करने दो बच्चों को, इनको, बोर्ड को, फिर आपको समझाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी मत मानो, नहीं तो आप ये सोचोगे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें, तो बस बड़ा क्वेश्चन याद ही नहीं करना। तो ये बहकने वाली बातें नहीं करते, ये जरूर आप उसकी फोटो खींचना। उषा आप हो अभी या चले गए? यस सर। ओके बेटा, मैं जरूर देखूंगा उसको, मैं बताऊंगा फिर। आप डेफिनेटली हो सकता है रिड्यूस बेटा। ये आपसे भगवान क्यों रूस रहे हैं? ओके बेटा, कैन लीव नाउ। अभी आपका वो मैसेज मैं देख के फिर बताऊंगा आपको। उषा हाँ बेटा, तनु कुछ पूछना है? ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।